आप ही की राइटिंग लगती है। दोनों राइटिंग मैच। इसका मतलब श्रीकांत ही वो शख्स है जिसने उस रात मुझे प्रशांत से बचाया, मतलब कि वही मेरा पति है। लेकिन वो है कहाँ और छुपता क्यों फिर रहा? अगर वो आपका पति है तो उसे ये बात आपको तो बतानी चाहिए। क्योंकि अगर वो मुझे बता देता तो शायद मैं उस पर विश्वास नहीं करती। यानी अब आपको विश्वास आ गया है? हाँ, शक करने की कोई वजह नजर नहीं आती। और फिर ये फोटोग्राफ से साफ जाहिर होता है कि मैं शादीशुदा हूँ, और ये आदमी श्रीकांत के अलावा और कौन हो सकता है? विद योर परमिशन, क्या मैं आपकी ये तस्वीर रख सकता हूँ? या श्योर, थैंक्स। Excuse me? आओ अन्नू, आओ। मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम यहां? अन्नू, एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। उस रात नशे में, यू नो, मैं अपने होश खो बैठा था। तुम मेरी पत्नी ही सही, मगर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। गुस्सा दूर दो। देखो, मैं तुमसे माफी तो मांग चुका हूं, वापस बोलता हूं, प्लीज मुझे माफ कर। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाने आया। चलो मेरे साथ। डोंट टच मी। हाथ मत लगाना मुझे। मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता चल गई। तुम मेरे पति नहीं हो, समझे तुम? जिद नहीं करता। अगर तुम जिद करोगी तो मैं भी जिद पे आ सकता हूं, और अगर मैं जिद पर उतर आया तो जा। तुम जानती हो कि मैं कितना सकती हूं, इसलिए चुपचाप चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, समझे तुम? चलो। नहीं मिस्टर प्रशांत आहूजा, ऐसी गलती मत करना। तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूं, लेकिन तुम तो यही समझते थे कि मैं मर चुका हूं। क्यों? देखो श्रीकांत, ये मेरा और मेरी पत्नी के बीच का मामला है, इसलिए तुम बीच में ना पड़ो, वही बेहतर है। तुम्हारी पत्नी? नहीं प्रशांत, तुम्हारा ये झांसा और नहीं चलेगा, क्योंकि अब तक अन्नू ये जान चुकी होगी कि असलियत क्या है। क्यों अन्नू? मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति नहीं हो मिस्टर प्रशांत आहूजा। तुम तो मेरे पति हो भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पति का नाम प्रशांत नहीं, श्रीकांत है। क्या बकवास कर रही हो अनु? तुम इस आदमी के बहकावे में आ गई हो। देखो अनु, तुम इस आदमी को नहीं जानती, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। अनु, ये तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार भी यही आदमी है। अनु, ये तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहता है। प्लीज अनु, देखो देखो, समझने की कोशिश करो। बस प्रशांत, बस बहुत हो गया। अब तुम्हारा ये नाटक नहीं चलने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि अनु तुम्हारी पत्नी है तो जाओ, किसी पुलिस स्टेशन में जाओ, या फिर किसी अदालत का दरवाजा खटखटाओ, और सबूत के साथ मुझे साबित करके दिखाओ कि अनामिका तुम्हारी पत्नी है।
ठीक है मिस्टर श्रीकांत, अब मेरी और तुम्हारी अगली मुलाकात अदालत में होगी। और अन्नू तुम भी देख लेना, तुम्हें अपने इस फैसले के लिए पछताना पड़ेगा। श्रीकांत। हाँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही श्रीकांत हो, मेरे पति? अगर मैं तुम्हें बताता तो शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता। मैं चाहता था कि सच्चाई तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था। लेकिन सच तो ये है कि मेरा अतीत अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ है। मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी नहीं। आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हें ये यकीन नहीं हो जाता कि हम दोनों पति पत्नी हैं, मैं तुम पर एक पति होने का अधिकार नहीं जताऊंगा। श्रीकांत। हाँ नो, जिस दिन तुम ये जान लोगी कि मैं ही तुम्हारा पति हूं, उस दिन मैं खुद तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा, वो भी एक दुल्हन के रूप में। प्रॉमिस। बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूं। बार फिर गलती कर रही हो नामिका। ये जिसे तुम अपना पति श्रीकांत समझ रही हो, वो श्रीकांत नहीं है। क्या? हाँ श्रीकांत, अनामिका श्रीकांत के बहकावे में आ गई। ना जाने श्रीकांत ने ये कैसे साबित कर दिया है कि अनामिका मेरी नहीं बल्कि उसकी बीवी। श्रीकांत शुरू से ही हमारे रास्ते का कांटा बना हुआ है, इसे रास्ते से हटाना ही होगा। श्रीकांत को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं है, मगर मैंने भी यह फैसला कर लिया कि अगर अनामिका मेरी नहीं आ सकी तो मैं इसे श्रीकांत। इंस्पेक्टर विजय, अनामिका की उलझन दूर करने की कोशिश में मैं खुद भी बहुत उलझ गया हूं। और सच्चाई तो यह कि मुझे यह भी नहीं पता है कि उसका पति कौन है। कमाल करते हैं मिस्टर भल्ला, आप चाचा हैं उनके और आपको यही नहीं पता कि उनके पति कौन? जी मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उसका नाम श्रीकांत है। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि आप उस शादी में मौजूद नहीं थे? जी नहीं, तकरीबन 1.5 साल पहले उसकी श्रीकांत से मुलाकात हुई थी और उसके बाद उसका मुझे फोन आया था कि वो श्रीकांत को पसंद करने लगी है और उससे शादी करना चाहती है। फिर आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, भला मैं अपनी इकलौती भतीजे की शादी ऐसे कैसे होने देता? अरे मैंने उसके लिए एक बहुत बड़े घर का लड़का ढूंढा था, लेकिन नतीजा ये निकला कि उसने वहीं पर श्रीकांत से कोर्ट मैरिज कर ली। आपने उस लड़के से मिलने की कभी कोशिश की? बहुत कोशिश की इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि वो लोग कहाँ हैं। अब तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे अनामिका का फोन आया कि वो श्रीकांत के साथ आ रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसकी बॉडी तक नहीं मिली। लगता है भगवान ने मुझे मेरी इज्जत की सजा दी। और अब जब अनामिका मेरे सामने आई तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जी भला साहब, एक बात बताएंगे, आपको ये बात पता थी या पता कैसे चली कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था और उस वक्त क्या श्रीकांत उस कार में मौजूद था? मैं बताता हूं। आप? मेरा नाम श्रीकांत है, अनामिका मेरी ही पत्नी है। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर विजय। तो आप ही थे जिन्होंने उस रात अनामिका जी को उस एक्सीडेंट स्पॉट से बचाया था, राइट? या, वो शख्स जो अनामिका को अपनी पत्नी साबित करने की कोशिश कर रहा है, एक्सीडेंट की वजह भी वही है। दरअसल गाड़ी के ब्रेक फेल भी उसी ने करवाए थे और जख्मी हालत में अनु को एक्सीडेंट स्पॉट से वही ले गया था। तब तो ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, प्रशांत आहूजा। यस इंस्पेक्टर, ये आदमी
साइकी है और ऐसे आदमी कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल वो अनु को इतना चाहता है कि उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और आप? मैं अपनी अनु को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं उसका सुकून और उसकी याददाश्त वापस लाना चाहता हूं। वो मुझे अपना पति माने या ना माने, मगर वो है तो मेरी पत्नी। उसकी भावनाओं की कदर करना मेरा फर्ज है। वेल, मिस्टर श्रीकांत, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि मिसेस चानामिका अपने लोगों के बीच पहुंच गई हैं। बहरहाल, मैं उस प्रशांत आहूजा के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप भी पुलिस थाने में उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवा दें तो बेहतर होगा। उससे कोई फायदा नहीं होगा इंस्पेक्टर, और मैं अपनी पत्नी को और उलझनों में नहीं डालना चाहता। जैसी आपकी मर्जी। एक घड़ी भी ना बताएंगे जरा आपकी घड़ी में क्या बजा है इस वक्त? जी 11:30 बज रहे हैं। चलता हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर विजय, मैं नहीं जानती कि अंकल और श्रीकांत इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं प्रशांत आहूजा के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। अगर आप कुछ फाइंड आउट कर सकें तो। अगर आप नहीं कहती तो भी मैं प्रशांत आहूजा के बारे में और आपके पति श्रीकांत के बारे में जरूर पता लगाने की पूरी कोशिश करता। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मिस्टर श्रीकांत, सी यू वेरी सून, बाय। सर, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट आ गई है जिसके मुताबिक प्रशांत आहूजा गैर शादीशुदा है। इसकी अनामिका से कभी शादी हुई नहीं। सर, मैं जानता था। इसका मतलब है सर कि अनामिका का असली पति श्रीकांत ही है। हो सकता है कि अनामिका ने किसी श्रीकांत से शादी की हो, और वो तस्वीर में भी जो व्यक्ति है वो भी श्रीकांत ही हो, लेकिन मिस्टर भल्ला के यहां जो इंसान मुझे मिला था ये वो तस्वीर वाला श्रीकांत नहीं है। लेकिन सर, ये आप कैसे कह सकते? इसमें तो दूल्हे का चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है। राइट पांडे, लेकिन इस तस्वीर में दूल्हे ने अपने दाएं हाथ में घड़ी पहनी है, जबकि मिस्टर भल्ला क्या मुझे जब श्रीकांत मिला था तो उसके बाएं हाथ में घड़ी थी। मैंने बात नोटिस की और मैंने उससे उसी वक्त समय पूछा। मुझे याद है उसने कहा था 11:30 बजे। ओह नो सर, इसका मतलब है कि वो श्रीकांत भी अनामिका का असली पति नहीं है। सर, तो फिर वो अपने आप को अनामिका का असली पति साबित करने पर क्यों तुला हुआ है? सर, यही तो मैं जानना चाहता हूं पांडे, कि अनामिका का असली पति कौन है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलेगा? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पांडे। अगर वाकई में कोई अनामिका का पति है और वो जिंदा है तो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, उस आदमी से दूर रहना, वो तुम्हारा पति नहीं है। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। I can't believe you। मेरी बातों पर यकीन करने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए तो ठीक है, सबूत तुम्हें मिल जाएंगे। कब दोगे सबूत और कैसे दोगे? हाँ, कैसे दोगे? आज शाम कैफे प्लाजा में ठीक 7:30 बजे पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है। ठीक, शाम 7:30 बजे कैफे प्लाजा। श्रीकांत, तुम कब आए? बस अभी, जब तुम फोन पर बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी तुम? वो फोन रॉन्ग नंबर तो नहीं था? नहीं।
फिर इंस्पेक्टर विजय का फोन था। वही इंस्पेक्टर? क्या कर रहे थे इंस्पेक्टर विजय? बता दूं? इंस्पेक्टर विजय को तुम पर शक है। उनका कहना है कि तुम मेरे पति यानी श्रीकांत नहीं। और तुम्हें उसकी बात पर विश्वास है? तुम ही बताओ, मुझे इंस्पेक्टर विजय की बात पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना ही कहूंगा अनु, कि तुम मेरी बात पर यकीन मत करो, ना उस इंस्पेक्टर की बात पर यकीन करो और ना ही किसी तीसरे की बात पर यकीन करो। तुम्हें किसी की भी बात पर यकीन करने की बजाय सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। हाँ अनु, बताओ बताओ क्या कहता है तुम्हारा दिल? लगता है मेरे दिल की आवाज मेरी याददाश्त के साथ ही चली गई है और दिमाग ने तो पहले से ही काम करना बंद कर दिया। एक बार अगर मेरी याददाश्त वापस आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा अतीत क्या था। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। लेकिन ये फोटोग्राफ तुम्हारे पास कैसे आई? ये वो फोटो नहीं है, उसकी कॉपी है। अनामिका अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि इस फोटो में तुम्हारी पति के दाएं हाथ में खड़ी है, जबकि उन दोनों में से कोई भी दाएं हाथ में खड़ी नहीं पहनता है। ये बात मैंने क्यों नहीं सोची? मतलब कि वो श्रीकांत झूठ बोल रहा है। वो तुम्हारा पति है ही नहीं। तो फिर मेरा पति है कब? इस सवाल का जवाब तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा नामिका, जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाते और जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता, तब तक किसी पर भी विश्वास मत करना प्लीज। लेकिन तुम कौन हो? अरे मैंने कहा ना, तुम्हारा शुभचिंतक हूं मैं, शुभचिंतक। और जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता, तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, तब तक तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। लेकिन क्यों कर रहे हो ये सब? ये तुम सोचो, सोचो कि तुम्हारी शादी की फोटो की कॉपी मेरे पास कैसे आ गई। मैं फिर मिलूंगा, चलता हूं। बाय।
गया प्रशांत आहूजा। गुड, वेरी गुड। लेकिन श्रीकांत, सिर्फ खिलौने को अपनी जेब में रख, क्योंकि अगर गलती से भी ये चल गई तो नुकसान मेरा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम समझते हो कि अनामिका को तुमने छीन लिया है, तो ये भी जान लो कि अनामिका तुम्हारे पास भी ज्यादा समय नहीं। तो मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अनामिका को अपने जाल में फंसा लिया है, ये भी जान लो कि अनामिका तुम्हारे जाल से निकलने के लिए फड़फड़ा रही है। एक शख्स है जो तुम्हारे जाल को काट सकता है। तुम शायद इंस्पेक्टर विजय की बात कर रहे हो? नहीं, मैं उस तीसरे शख्स की बात कर रहा हूं जो मेरी और तुम्हारी दोनों की असलियत जानता है। और अगर उसने ये असलियत अनामिका को बता दी, कौन है वो? What you want? 50. तुम पागल हो गए प्रशांत आहूजा। You gone mad. हर बाजी जीतने के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम अगर ये समझते हो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, ये भी समझ कि बाजी तुम्हारे हाथ से गई। पूरी के चक्कर में आधे से भी हाथ धो बैठोगे। ऑल राइट, अगर तुम वाकई सच कह रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। यह हुई ना मर्दों वाली बात। तुम यह जानना चाहते हो ना कि वो तीसरा शख्स आज अनामिका कैफे प्लाजा में मिलने गई, वो शख्स जो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है, वो शख्स जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उस शख्स का नाम है राजदीप। हाँ बंडे, बोलो। क्या लाश कहाँ है? ठीक है, मैं पहुंचा।